It's a rainbow. After that, ripples. Ripples, see, you can see what will be the effect of ripples. Ripple hoga. Rainbow ke baad mein ripples. Ripples se kaise dikhta hai, we will see. So color se waise replace dikhta hai. Ripples. You can show the colors like this in ripples too. Next is smudge tool. With the help of this smudge tool, you जैसे हाथों से कैसे कलर फैलाते हैं ना, वैसे यहाँ आप कलर फैला सकते हैं. अगर आप पोस्टर कलर से कभी ड्राइंग किए हो तो आप देखना हाथों से ऐसे ब्रश से कलर फैलाए हुआ उसे दे सकते हैं. स्मज टूल. ओके, नेक्स्ट इज स्नोबॉल. Covers your picture in snowball. You can show the snowball. See like this. जितने बार क्लिक करेंगे उतने snowballs you can see on the canvas. Next is snowflake. Covers your picture in snowflakes. Snow का effect देना है picture को तो. With the help of snowflakes, you can give the snow effect. Next is a square mosaic. Square mosaic से हम color select करेंगे and you can see this square mosaic. Next is wavelets. Wavelets से क्या होगा? W पे आना है हमें वेवलेट्स. वेवलेट्स अब जो पिक्चर हमने बनाया है उसे ऐसे ब्लर इफेक्ट यू कैन गिव वेरी इफेक्ट और विगल्स योर पिक्चर अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे यू कैन विगल योर पिक्चर. वेव्स विगल्स द पिक्चर साइड टू साइड. अब वेव्स और वेवलेट दोनों ही सेम है. वेव्स वेवलेट से क्या ऐसे अपवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में यू कैन मूव योर पिक्चर एंड वेव से हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट. देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट राइट पोजीशन में यू कैन मूव योर पिक्चर. यू कैन गिव इफेक्ट टू योर पिक्चर. नाउ वेट पेंट. वेट मतलब गीला पेंट. गीले पेंट का इफेक्ट कैसे दिखता है? यू कैन गिव द इफेक्ट लाइक दैट. वेट कैसे गीला पेंट के फैलता है कैसे दिखता है क्या? पेंटिंग अगर आपने कभी किए हो पेस्टल कलर से या फिर वाटर कलर से तो गीला पेंट ऐसे दिखता है ना, वैसा इफेक्ट आप अपनी पिक्चर पर दे सकते हैं. नेक्स्ट इज जूम. जूम से आप जूम टूल से क्या होगा? जूम से आप पिक्चर बड़ा करके देख सकते हैं. इस पोर्शन को यू कैन सी. देखो माउस को जस्ट क्लिक किया और बढ़ाया तो देखो सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको बड़ा करके दिख रहा है. माउस को ड्रैग करना पड़ेगा. यहाँ सिलेक्ट किया और मूव किया. देखो ये पिक्चर अब छोटा बन गया है और बड़ा करना है तो यू कैन सी बिगर साइज विद द हेल्प ऑफ जूम. माउस को ऊपर करेंगे और छोटा करना है तो माउस को नीचे करेंगे. ये अपना कैनवास साइज. So these are the tools. Now we have to try more about magic tools. Of magic tool, magic button on the left hand tool. Go to the tool on the right and choose any effect. अगर right side में left side में जो tools थी इसमें से हम magic tool पे जाएंगे और इसमें से कोई भी effect select करेंगे. अब कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट. यहाँ कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट दिया है. ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है सब. तो हम के पे जाएंगे. ठीक है, के पे सर्च करेंगे. के आया क्या? अपर एरो पे नहीं, ऊपर का ट्रायंगल उस पे क्लिक किया. ठीक है, के नीचे आएगा. मैजिक टूल में
ये है कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट। कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट के लिए हम पहले एक न्यू कैनवास लेंगे, ठीक है, ब्लैंक कैनवास। अभी ये जो एक कैनवास हम कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट के लिए ले रहे हैं, यहाँ मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगी, वैसा ही एक कॉर्नर पे जैसा हम ड्रॉ करेंगे वैसा ही बाकी के तीन कॉर्नर पे ड्रॉ होते रहेगा, ठीक है। देखो इट्स अ कैलिडोग्राफिक इफेक्ट लाइक दिस। अब नेक्स्ट इज द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट से क्या होगा, हम जो एजेस है उसे लाइट कर सकते हैं। इसके पहले हमने एज इफेक्ट देखा है, वो ऊपर में आएगा, अल्फा पार्टिकल ऑर्डर में ऊपर में आएगा। अगर हम ये इसके ऊपर से घुमाएंगे तो सिर्फ एजेस दिखेगी और इनर कलर इरेज हो जाएगा। सी लाइक दिस एज इफेक्ट, इट्स अ एज इफेक्ट। नेक्स्ट इज अ ड्रिप इफेक्ट। ड्रिप इफेक्ट वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम मैजिक टूल दिस ड्रिप इफेक्ट। सी वी हैव टू गो ऑन बी। ड्रिप इसके पहले भी हमने देखा, ड्रिप मीन्स ऐसे फॉलिंग कलर्स आपको दिखाई देते हैं पर अगर बूंदे गिरेगी इसे, है ना, इसके पहले देखा है। नेक्स्ट इज अ फील इफेक्ट। अब फील सेम वी नीड टू सर्च द फील इफेक्ट। ये है फील, ठीक है, हमने फूल से फील टूल सिलेक्ट किया। अब फील से यहाँ सॉलिड कलर फील करना है या रेडियल कलर, रेडियल कलर हमने रेडियल फील ले लिया। देखो रेडियल से ऐसे लाइट कलर और डार्क ऐसे शेडिंग में आप शो कर सकते हैं फील कलर। अगर कोई और कलर आपको सिलेक्ट करना है आप रेडियल में ले लो, उस पर क्लिक कर दो, और दूसरा कलर लेना है देखो एक कलर अभी हम लेफ्ट साइड पे मैजिक टूल पे क्लिक किए। अब यहाँ से हम एम्बॉस इफेक्ट ओपन करेंगे, ई ऊपर होगा एम्बॉस, इसको हम एम्बॉसिंग देकर देखते हैं कैसे दिखता है। इसके बैकग्राउंड को चेंज करके देखते हैं। Like this, okay? Now, mosaic effect. Mosaic effect देना है। Mosaic effect के लिए हम सिलेक्ट करेंगे एम, यहाँ टूल से मैजिक टूल से एम, हाँ यस यहाँ आ गए हम एम पे mosaic effect। सी अगर इस पिक्चर को हम मोसिक इफेक्ट दे दें तो लाइक दिस, ये मोसिक इफेक्ट इसके पहले भी हमने देखा है। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 36, ठीक है, बुक का पेज नंबर 36 देखेंगे, उसमें दिया है मर्ज इफेक्ट। स्मर्ज इफेक्ट, स्मर्ज इफेक्ट से हमें एस में जाना पड़ेगा, उसके लिए स्मर्ज इफेक्ट के लिए स्मज से क्या हुआ, ऐसे जैसे हम हाथ से फैलाते हैं वैसे फैलाया हुआ कलर आपको दिखेगा। अगर आप इस एजेस पे जा रहे थे तो ऐसे एजेस में हाथ से फैलाई जैसे लग रहा है, इट्स अ स्मज इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 36 हियर रियल रेनबो इफेक्ट। रेनबो इफेक्ट यू कैन अप्लाई, और आर के लिए हमें रेनबो पे जाना पड़ेगा। ये है रेनबो इफेक्ट। नाउ वेव्स इफेक्ट। वेव्स इफेक्ट के लिए अभी हमें वेवी इफेक्ट या फिर वेव्स इफेक्ट हमने इसके पहले भी देखा है।
वेव्स और वेवी, इस पिक्चर को हम वेव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और वेवी से हॉरिजॉन्टली यू कैन मूव द पिक्चर. नाउ नेक्स्ट इज अ लाइट एंड इफेक्ट. ये लाइट हमने लाइटिंग इफेक्ट से देख लिया. अगर ये आप अपवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर के व्यूज दिखेंगे, डाउनवर्ड एरो से नीचे के व्यूज दिखेंगे. अब हमें ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ पी एस. तो अभी हमें इसे लाइट इफेक्ट देना है. तो हमने ये लाइट सेलेक्ट किया, लाइट का कलर भी आप अलग ले सकते हैं. मैंने अब ये दूसरा लाइट कलर सेलेक्ट किया, ठीक है. लाइट इफेक्ट. नाउ वेवलेट इफेक्ट. वेवलेट्स हमने देखा, वेवी और वेवलेट. इसके लिए डब्ल्यू पे जाना पड़ेगा हमें, डाउन एरो पे, डाउन ट्रायंगल पे क्लिक करना पड़ेगा. ये आ गया वेवलेट्स लाइक दिस. अगर आप पानी का कोई सीन बना रहे हैं तो उस पर आप वेव इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर वेव इफेक्ट वेवलेट इफेक्ट शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 38, सेविंग अ फाइल. हाउ टू सेव अ फाइल. ये जो फाइल हमने बनाई है इसे अगर हमें सेव करना है तो सी इन दिस टूल्स यू कैन सी द सेव ऑप्शन. ठीक है, टूल्स पैनल पे आप देखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे. जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं अब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूछता है रिप्लेस द पिक्चर विद योर चेंजेस. यस, रिप्लेस द ओल्ड वन. अगर नहीं बोलेंगे तो रिप्लेस नहीं होगा और पिक्चर भी सेव नहीं होगा. यू रिप्लेस द ओल्ड वन, पुराने इसे हमें रिप्लेस करना है. यस, हमने इस कर दिया, हमारा पिक्चर सेव हो गया. अभी हमने तो चेंजेस किए फिर से, अब फिर से चेंजेस करने के बाद हम सेव करेंगे, हम क्लिक करेंगे यस वी हैव टू सेव. ठीक है, नाउ डिलीटिंग अ फाइल. अगर फाइल डिलीट करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन द ओपन टू. फाइल डिलीट करने के लिए हमें पहले ओपन तो करना पड़ेगा. आप ओपन में देखो ये फाइल एक हमारी बनी हुई है ना, ये हमने एक पिक्चर बनाया है. सिलेक्ट द फाइल यू वॉन्ट टू डिलीट और इरेज एंड क्लिक ऑन erase option. You have to just select and click on erase. See here is the erase. You know, ये right side पे दिख रहा है, नीचे में erase back और export दो बातें हैं. Back से हम फिर से back जा सकते हैं और फिर से अगर हमें erase करने पे जाना है तो हम open पे क्लिक करेंगे और erase पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो file है picture ये erase हो जाएगा. अगर हम export करते हैं तो दूसरी जगह Your picture has been exported. Okay. दूसरी जगह सेव हो गया, चला गया. Okay. Select the file you want to delete or erase. Click on erase option. A dialog box appear. Click on S and देखो S पे क्लिक करेंगे तो erase it आ गया. To erase it, the file gets deleted or erased. हम S किए तो ये okay. Now we have to create existing from the touch paint. She clicks on the quit button. A button appears asking whether she want to quit or not. अगर quit पे क्लिक करेंगे तो yes or no पूछा जाएगा. Yes, I am done my work and I want to exit. अगर नहीं करना है तो no, take me back. फिर से हम अगर no करते हैं तो फिर से picture पे जाते हैं, हमारे drawing पे canvas पे हम जाएंगे. और अगर हम यस करते हैं, क्विट पे क्लिक करने के बाद अगर हम यस करते हैं तो हम यहाँ से टक्स पेंट से बाहर निकल जाएंगे. ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन यस. सो
Now we will tweak the touch screen. So students, here our lesson number 3 is completed. Next we will solve the question answers. Okay, thank you. Bye bye.